वेलकम बैक टू अवर न्यू ब्लॉग। तो आज हम अपनी फैमिली के साथ में आए हैं। क्या नाम है इस मंदिर का? श्री रंगनाथ जी टेम्पल। श्री रंगनाथ जी टेम्पल, वो काफ़ी बड़ा मंदिर है, लोग बता रहे 284 साल पुराना मंदिर है। तो आज मैं अपनी पूरी फैमिली के साथ आ चुकी हूँ वृंदावन के प्रसिद्ध मंदिर श्री रंगजी मंदिर में। यह मंदिर जो है विष्णु भगवान के स्वरूप के रूप में प्रसिद्ध है, और यह मंदिर जो है दिखने में एकदम साउथ के मंदिर की तरह लगता है। इस मंदिर का निर्माण जो है गोविंद दास और राधा कृष्ण ने करवाया था। इस मंदिर का निर्माण जो है 1845 में शुरू हुआ था, जो कि 1851 में कम्प्लीट हुआ था। यानी इस मंदिर को बनने में पूरा 6 साल लगे थे, और इस मंदिर को बनने में जो लागत आई थी उस समय 45 लाख रुपये लागत आई थी। अगर आज के हिसाब से आप देखते तो आज के हिसाब से 45 लाख कितना होता है। तो सबसे पहले हम लोग जो है मंदिर के अंदर एंट्री कर चुके हैं, और मंदिर का लुक जो है काफ़ी अच्छा। तो अभी हम लोग जो है यहाँ से जो 25 रुपये की टिकट लेंगे। अगर आपको लीलाएं देखनी है तो आप भी टिकट लीजिए, अगर नहीं देखनी है तो कोई बात नहीं। तो हमारी पूरी फैमिली ने जो है 25 रुपये की टिकट ली, और टिकट लेने के बाद में हम लोगों ने जो है साइड पर शूज़ वगैरह उतारे। उतारने के बाद हम लोग सबसे पहले निकल चले श्री लीला घर, जहाँ पर श्री कृष्ण और राम जी की लीलाओं का प्रदर्शन किया गया है। तो चलिए आपको मैं धीरे धीरे जो है अंदर लेकर के चलती हूँ, उसके बाद मैं आपको जो अंदर का नज़ारा दिखाऊँगी। तो हमारी पूरी फैमिली ने जो है अंदर की ओर अच्छे से एंट्री कर ली, और उसके बाद में यहाँ से आप देख सकते हैं लीलाएँ चालू हो चुकी हैं यहाँ श्री कृष्ण भगवान की। और ये विष्णु भगवान साइड में खड़े हुए हैं, जब इन्होंने मत्स्य अवतार लिया ये उसका सीन था। एंड नेक्स्ट में आप देख रहे हैं जब समुद्र मंथन हुआ था, तो मंथन के दौरान में होने वाला ये दृश्य आप सामने देख रहे हैं। ये ऊपर विष्णु भगवान, साइड में विष्णु भगवान, उधर भी विष्णु भगवान, नीचे विष्णु, हर जगह हमारे जगत के पालनहार है। तो चलिए ऐसे ही आपको जो है धीरे धीरे हम यहाँ की झांकियाँ जो दिखाते रहेंगे, और आप आराम से जो है आनंद लेते रहिएगा। एंड नेक्स्ट में आप देख रहे हैं 12 अवतार, और उसके बाद में आप देख नरसिंह अवतार, एंड साइड में ये आप जो देख रहे हैं वामन अवतार, और ये जो है परशुराम जी जो है अवतार है। एंड नेक्स्ट में आप जितने भी देख रहे हैं सब, तो ये कल के अवतार है जो घोड़े पे जो है विष्णु भगवान सवार हैं। और उसके बाद में आप ऐसे ही प्यारी प्यारी जो है झांकियाँ देखती रहिए। एंड यहाँ से जो है अभी वासुदेव जी जो हैं वो निकलेंगे श्री कृष्ण भगवान को अपने हाथ में लेकर के, एंड पूरा जो है राउंड अप करेंगे, उसके बाद फिर से जो है यहाँ से बाहर निकल करके आएंगे। अधरम मधुरम वदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम अधरम मधुरम वदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम हृदयम मधुरम गमनम मधुरम मधुराधिपतिरखिलम मधुरम हृदयम मधुरम गमनम मधुरम मधुराधिपतिरखिलम मधुरम। लीला घर से झांकियाँ देखने के बाद हमारी पूरी फैमिली जो है बाहर की ओर निकल आई थी, और ये रहा बाहर का कुछ नज़ारा। और यहाँ की जो दीवारें हैं वो बहुत ऊंची ऊंची हैं, और इस मंदिर में आके जो है आपको एकदम साउथ के मंदिर की तरह ही फीलिंग आने वाली। और यहाँ के जो पुजारी हैं, पंडित हैं, वो भी जो है साउथ के ही हैं। और मैं आपको बता दूँ, ये मंदिर जो है बहुत पुराना मंदिर है, और इस मंदिर में अभी मैं जो है परिक्रमा लगा रही हूँ। ये काफ़ी पुराना है वैसे, ये अब आगे चल लो तो कुछ बोल ही लो। ये कहना चाहते हैं मंदिर बहुत ज्यादा पुराना है, इसके अंदर ये ग्राम प्रधान है, चले बोला पानी खा रहे थे, इसी में नहीं आता।
इस मंदिर को बहुत ज़्यादा खूबसूरती के साथ बनाया गया और बहुत प्यारा बहुत सुंदर मंदिर। जब भी आप यहाँ पर आओगे तो आपको भी जो है काफ़ी अच्छा लगने वाला है। तो हमने जो है परिक्रमा लगा ली और परिक्रमा लगवाने के बाद में हम आ चुके हैं जस्ट मंदिर के सामने। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर जो है विष्णु भगवान जो है शेषनाग के ऊपर लेटे हुए हैं, उनके बगल में जो लक्ष्मी जी बैठे हुए हैं। सामने आप देख रहे हैं सात जो है सोने के दरवाजे यहाँ पर बने हुए हैं। मंदिर के अंदर किसी को एंट्री नहीं मिलती, आप बाहर से दर्शन कीजिए। साउथ के मंदिरों की तरह जो है यहाँ पर पूजा पाठ की जाती है। खास बात इस मंदिर की और है कि इस मंदिर में जितने भी पिलर हैं उन सब में एक पुरानी कलाकृतियाँ दिखाई गई हैं। जैसे कि आप ये पीछे देख सकते हैं, ये इतने पुराने पुराने चित्र हैं हर एक पिलर पे। ये देखो गाइस, हर एक पिलर पे अपनी अलग अद्भुत मतलब कलाकृति दिखाई गई, और ये बहुत पुराना मंदिर है, वो देख कर ही अंदाजा लगाया जा सकता है। तो चलिए आगे आपको और भी दिखाते हैं। तो भगवान जी के दर्शन करने के बाद जो है ये राम मंदिर की कुछ बाहर का नज़ारा, और उसके बाद जो है हमारी पूरी फैमिली दर्शन करने के बाद निकल चुकी मंदिर के बाहर की और। इतने ऊंचाई से बंदर नहीं आएगा है ना, चश्मा लेकर भाग गया एक बार ना, इसीलिए डर लग रहा है। डर लग रहा फिर लेके ना चला जाए, एक बार लेके जा चुका है उनका भी मेरे तो बाहर साइड भी जो एक मंदिर बना हुआ था और ये बहुत पुराना बहुत अच्छा बहुत सुंदर मंदिर लग रहा था, लेकिन ये जो मंदिर का पट बंद था। तो उसके बाद हम लोग फिर बढ़ चुके थे आगे की ओर। यहाँ पर इतना डर लग रहा है, मेरा चश्मा लेके बंदर जो है चला गया था मंदिर के बाहर, फिर एक फ्रूटी दिलाई, फिर उसके बाद चश्मा वापस किया है। तो लेकिन डर लग रहा था कि ले ना जाए, लेकिन यहाँ पर इतनी ऊँची ऊँची दीवारें हैं कि मुश्किल है कि वो लेके जा पाए। क्यों मोहित, सही बोला ना। ये मंदिर जो है देख रहे हैं आप, ये 8th century को आइडेंटिफाई हुआ था, है उससे ज्यादा पुराना। समझ सकते हो ना कितना पुराना होगा, बहुत पुराना। वाहन करके बाहर खड़े हैं, तो चलिए आपको अंदर का नजारा जो है दिखाते हैं। पट्टा लिया था मैंने, बिल्कुल पट्टा लिया है, तो वो बोल ओढ़ने जा रही है। तो कैसा लगा आप लोग ये बताइए पहले। तो अब हमारी पूरी फैमिली जो जा रही है वाहन घर के अंदर, और इस वाहन घर के अंदर एक ख़ास बात यह है कि यहाँ पर जितने भी वाहन हैं वो सब जो है सोने के बने हुए हैं। तो चलिए आपको मैं यहाँ से दिखाती हूँ और आप देखते जाइए। तो यहाँ पर जैसे कि आप देख रहे हैं शेषनाग बना हुआ है, और साइड में बहुत सारी चीज़ें जो हैं आपको देखने को मिलेंगी। तो ये जितनी भी चीज़ें हैं ये सब सोने की बनी हुई हैं, और बहुत अच्छे तरीके से इनको जो है मतलब देख करके आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कितनी जो है प्राचीन है। वाहन घर में वाहन देखने के बाद हमारी पूरी फैमिली जो है निकल चुकी थी बाहर की ओर, और बाहर जाने के बाद में यहाँ पर हम लोगों की थोड़ी चल रही थी मौज मस्ती। एंड उसके बाद में आप लोगों को मैं लेकर चलती हूँ मंदिर के अंदर, जहाँ पर बना हुआ एक 50 फीट का तांबे का स्तंभ। जैसा कि आप ये देख रहे हैं हम लोग जो है मंदिर के अंदर जा रहे हैं, और सामने आप देख रहे हैं एक स्तंभ बना हुआ जो कि 50 फीट तांबे का स्तंभ है, लेकिन इसे जो है यहाँ पर स्वर्ण स्तंभ के नाम से जाना जाता है। इसलिए इस मंदिर को भी जो है सोने का मंदिर या सोने के खंभे का मंदिर जो है कहा जाता है। तो चलिए अब मैं आपको लेकर चलती हूँ शीश महल के अंदर, और इसकी टिकट का जो प्राइस है वो 5 रुपये है। तो चलिए आपको लेकर चलते हैं अंदर की ओर।
तो हमारी पूरी फैमिली जो है अंदर की ओर आ चुकी थी और ये रहा कुछ महल का नज़ारा। शीश महल नाम से विख्यात और इतना प्यारा, इतना सुंदर, मतलब इतने अच्छे से इसको बनाया गया था। चारों तरफ जो है कांच की कलाकृतियाँ जो है यहाँ पर दिखाई गई थी और हमारी पूरी फैमिली ने जो है यहाँ पर फोटो वगैरह भी जो है क्लिक करवाए। जब भी आप आते हैं तो आप प्लीज श्री रंग जी मंदिर जरूर आइए, क्योंकि आप इस मंदिर में जब आओगे तो आपको यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें देखने और जानने को मिलेंगी। तो आप इस जो है शीश महल का नज़ारा देखिए, और शीश महल के अंदर जो है ये आप देख सकते हैं यहाँ पर श्री कृष्ण और राधा जी की जो है प्रतिमा बनी हुई है, और जब सामने भी एक जो है विष्णु भगवान की प्रतिमा बनी हुई थी। तो चलिए आप जो है यहाँ का नज़ारा देखते रहिए। यहाँ का पूरा नज़ारा देखने के बाद में मेरी पूरी फैमिली जो है बाहर की ओर निकल चुकी थी और मैं परेशान हो रही थी कि ये लोग मुझे जो है छोड़ के कहाँ पर चले गए, मुझे अकेला छोड़ दिया था इन लोगों ने। तो मैं इधर उधर भटक रही थी, लेकिन फिर मुझे लगा मंदिर के अंदर ही होंगे, चलिए आप लोगों को लेकर चलते हैं मंदिर के अंदर, शायद वो लोग यहीं पर ही होंगे। तो हम लोग जो है मंदिर के अंदर आ चुके हैं और बहुत पुराना मंदिर है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, ये आपको स्ट्रक्चर देख के ही पता चल जाएगा। और यहाँ पर भी जो है विष्णु जी की जो है प्रतिमा बनी हुई थी, और यहाँ जो है बहुत दूर दूर से लोग यहाँ दर्शन करने के लिए आते हैं। आप हमारे वीडियो में जो है अंत तक बने रहिएगा, वीडियो को स्किप मत कीजिए, क्योंकि काफ़ी जो है आपको आगे मज़ा आने वाला है। आपको मैं हर एक चीज़ यहाँ दिखा रही हूँ, जैसे कि आप देख रहे हैं कितनी पुरानी तस्वीरें यहाँ पर जो है बनी हुई है। और तो यहाँ पर जो है दर्शन करने के बाद जो है हम फिर से निकल चुके थे बाहर की ओर। गोपी मथुरा मंदिर की कुछ जगह घूमने के बाद हम लोग फिर से जो है इस जगह पर आ गए, और यहाँ पर जो है साइड में एक बना हुआ था कुंड जो कि दिखने में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत था। यहाँ पर कोई भी नीचे नहीं आ सकता, किसी को भी नीचे एंट्री नहीं थी, आप बाहर से ही और ऊपर से इसका नज़ारा लीजिए, और आप यहाँ पर चारों तरफ से घूम करके भी इस कुंड को देख सकते हो।
यह वृंदावन में बहुत तो फेमस और बहुत ही ज़्यादा बड़ा मंदिर है। ये इतनी बड़ी जगह में फैला हुआ है कि आप यहाँ घूमते घूमते थक जाओगे। और चलिए आपको जो है आगे एक और नज़ारा हम दिखाते हैं। तो गाइस अभी हम जो है आपको दिखाई नहीं देंगे क्योंकि जो है चश्मे वाला खेल यहाँ पे हो रहा है। बंदर लोग जो हम लोग चश्मे में चश्मा खेल रहे हैं, चश्मा उतार ले जाएंगे। तुम्हारा चश्मा भी तो गया था। हाँ चश्मा गया मेरा, फूटी दिया तो चश्मा दिया। चश्मा जो है अंदर लगा कर चुन्नी ओढ़ी हुई है ताकि जो है वो हमें देख ना पाए। बाकी अभी आप नज़ारे देख रहे हैं पीछे के, इंजॉय कीजिए, खुश रहिए। फिर इसके बाद मैंने और दीदी ने जो है एक जगह घुमरी करी जो कि हम लोग को बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था। तो घुमरे लगाने के बाद में एक बार फिर हम लोग जो है बढ़ चुके थे आगे की ओर। और यहाँ पर जो है शाम भी धीरे धीरे होती जा रही थी और मौसम का हाल जो है बेहाल हो गया था क्योंकि आगे जो है आपको पता चलने वाला है। और हम लोग धीरे धीरे जो है बढ़ रहे हैं आगे की ओर और हम लोग वापस उसी जगह पर पहुँच चुके हैं जहाँ से हम लोगों ने परिक्रमा लगाई थी, उसी कुंड के पास पहुँचे। जैसे पहले आपको दिखाया था मैंने कि हम लोग इसी कुंड के पास में थे और यहाँ पर जो है बारिश का मौसम बन चुका है, यहाँ पर बारिश हुई है। और आप जैसे कि देख रहे हैं यहाँ पर जो फर्श है वो भीगी पड़ी हुई हैं। और उसके बाद में हम लोगों ने फाइनली जो है पूरा मंदिर घूम लिया और बहुत अच्छे तरीके से हम लोगों ने दर्शन करने के बाद अब हम लोग जा रहे हैं वापस रूम की ओर। जो है वहाँ से घूम के आए हैं श्री रंगनाथ जी मंदिर से। उसके बाद में हम लोग अपने रूम के पास एक होटल है वहाँ पर जो है हम लोग खाना खा रहे हैं। खाना बहुत टेस्टी है यहाँ का, देखो भैया यहाँ जो है खाना पीना चल रहा है। गाइस हम जो है खाना पीना खा करके घर आ चुके हैं। यहाँ पर जो है जोरों शोरों से सामान की पैकिंग जो है वो हो रही थी अभी थोड़ी देर पहले, हो चुकी है। और अभी जो है सब लोग आराम कर रहे हैं, इतना थके हुए हैं पूरे दिन के। ट्रेन कितने बजे की है? 2 बजे की जो है ट्रेन है। यहाँ जो है 2 बजे ट्रेन है और अभी बज रहे हैं 9:30। थोड़ी देर यहाँ आधा घंटा का मतलब रेस्ट करेंगे, उसके बाद जो है फिर यहाँ से हम लोग पहुँचेंगे मथुरा जंक्शन स्टेशन और उसके बाद में फिर वहाँ से रवाना होंगे कानपुर के लिए। आपको मेरी वीडियो पसंद आता तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल पे, तब तक के लिए।